हेलो गाइस, माय नेम इज जिगर और आज मैं माइनक्राफ्ट खेलने जा रहा हूँ और मैं एक न्यू सर्वाइवल वर्ल्ड बनाऊंगा। और उसमें मैं अपनी मेहनत करूंगा और सब कुछ करूंगा। तो चलो मैं अभी न्यू सर्वाइवल बनाता हूँ। ये पता नहीं वो क्या दिखा रहे हैं। तो चलो ये क्रिएट, अरे नहीं, क्रिएट न्यू वर्ल्ड और मेरे वर्ल्ड तो सर्वाइवल होएगा और उसका नाम होगा माहेश्मती। जय माहेश्मती। जय माहेश्वरी, जय माहेश्वरी, जय माहेश्वरी, माहेश्वरी साम्राज्य, माहेश्वरी। ये इसमें टाइप करना बहुत मुश्किल है एक्सबॉक्स पे। और ये क्रिएट, प्रोटेक्ट बेबी टर्टल्स फ्रॉम हॉस्टाइल मॉब्स। क्यों, ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है वो? वो सो टोपी सी बनाने का काम आते हैं ना, वो ग्रीन कलर की, जिससे वो इफेक्ट होता है वाटर का। ओके, तो मैं यहाँ पे स्पॉन हुआ हूँ और मैं यहाँ से थोड़ी सी वुड कलेक्ट करूंगा। ऑब्वियसली पहले तो वुड इज द की टू सक्सेस। इसके बिना आप माइनक्राफ्ट में कुछ नहीं कर सकते। आपको आयरन टूल्स बनाने, वुड चाहिए स्टिक्स बनाने के लिए। सब कुछ वुड से ही होता है, जो भी होगा वुड से होगा। चलो, अरे ये क्या हो गया, मैं काफी टाइम से खेल ही नहीं, मैं कंट्रोल से भूल गया इसके। मेरा दूसरा वर्ल्ड भी है इसमें, वो मेरा ऑफलाइन वर्ल्ड है। चलो, खाना मिल गया हमको, हमारा फर्स्ट फूड सोर्स। और यहीं पे गुफा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि यहीं पे अपना घर बना लेते हैं। तो एक और फूड सोर्स आ जा भाई, तू ही मेरा फूड सोर्स है, मर। यस, तो अब मैं, ओ वूल, लेकिन वाइट शीप ज़्यादा वो होती है ना, तो पहले शीप ढूंढते हैं वाइट वाली। यहाँ पे एक पहाड़ी सी है, पहाड़ी पे तो घर नहीं बनाऊंगा मैं। मैंने सोचा कि मैं अंडरग्राउंड बेस टाइप कुछ घर बनाऊंगा। इसको तोड़ो भाई, मेरे सामने की आ रहा है, हट मेरे सामने से। हाँ, तो मैं अंडरग्राउंड बेस टाइप कुछ बनाऊंगा और उसके अंदर मैं काफी सारे बहुत गहराइयों तक जाऊंगा। और हम गौ माता को अब भी नहीं मारेंगे। गिर गया। पंपकिन है यहाँ पे, पंपकिन फार्मिंग में काम आता है, ले लेते हैं। सब कुछ ले लो जो मिल रहा है, अच्छा खासा फूड सोर्स भी होता है, इससे वो बना सकते हैं ना, जो भी बोलते हैं उसे। खैर, अभी तो रात हो रही है और अभी मैं क्राफ्टिंग टेबल बना लेता हूँ और कुछ स्टिक्स बना लेता हूँ। और इतनी स्टिक्स काफी होंगी। और अभी कुछ अपने लिए टूल्स बना लेते हैं जो हमें सरवाइव करने में हेल्प करेंगे। एक स्वॉर्ड, एक पिकेक्स, तो स्वॉर्ड की जरूरत ही नहीं थी, मैंने स्वॉर्ड की बना ली, कोई बात नहीं, ऐसे ही बना लेते हैं। और कुछ तो नहीं चाहिए, इसको तोड़ो, हाथ से तोड़ते हैं, नहीं तो पिकैक्स की ड्यूरेबिलिटी वेस्ट हो जाएगी। और थोड़ा सा पत्थर लेके आता हूँ मैं यहाँ से, पत्थर कलेक्ट करो, स्टोन आधा तो यहाँ पे यही है, क्या बोलते हैं इसको, एंडेसाइट, एंडेसाइट है ना, एंडेसाइट ही लग रहा है मुझे तो, ये एंडेसाइट। एंडेसाइट का क्या करना है,
ये हो ही गए हैं ऑलमोस्ट 12, ये हो गए होंगे 12 से भी ज्यादा ही हो गए होंगे। चलो ऊपर चलते हैं, सरफेस पे आ जाते हैं। ओह फाइनली इसको पकाते हैं, आ जा। तेरी तो खैर नहीं है यार, उड़ उड़ के मारूंगा ये मारा और हमको वूल मिल गया। मर जा, कहाँ भाग रही है? यस मुझे भूल मिल चुका है, लेकिन मेरा और तो कुछ नहीं चाहिए ना, और तो अपना काम हो गया। तो अब एक अच्छी सी जगह ढूंढते हैं, जहाँ पे वो केव थी मेरे, वो जगह ढूंढनी है। और मैं अपने कोऑर्डिनेट्स ऑन कर लेता हूँ, सेटिंग्स में जाके कोऑर्डिनेट्स ऑन। नाइस, अब ये साइड में कोऑर्डिनेट्स दिखेंगे। इनकी हेल्प से अगर मैं अपना घर वर भूल जाता हूँ कि कहाँ पे है, तो मैं वो दिख जाएगा, तो मैं याद कर सकता हूँ कोऑर्डिनेट्स मेरे घर के। आज अब फूड सोर्स, मैं ना ज़्यादातर खाना नहीं लेता हूँ माइनक्राफ्ट में, मेरे दूसरे वर्ल्ड में भी मैं, मेरे पास में खाने की हमेशा कमी होती है। पता नहीं है कहाँ मेरे को घने जंगल से स्पॉन कर रहा है इन्होंने। पानी के आसपास तो नहीं, थोड़ी दूरी बनाते हैं। ये और भी शीट मिल गई हमको, इनको भी मार लेते हैं। मरो, तुम मेरा फूड सोर्स हो, तू भी ब्लैक वाली, तेरे को क्या लगा ब्लैक है तो तेरे को छोड़ दूंगा, किसी को नहीं छोड़ दूंगा, वाइट को भी नहीं छोड़ दूंगा। वी आर नॉट रेसिज्म। पहले तो मिल नहीं रही थी शीप, अब तो भर भर के मिल रही है, जब बेड के लिए इनफ शीप होगी, मतलब वूल होगी। शीप से तो बेड बनता नहीं है। थोड़ा फूल वगैरह भी ले लेते हैं ऐसे ही। चिकन तो छोटे वाली है, इसको भी मारो, इसको पड़े रहने देते हैं। फूड सोर्स ही फूड सोर्स है, मैं तो जैसे हंटिंग कर रहा हूँ। अरे कहाँ भाग रही है झाड़ियों में, बच मुझसे अब, आ जा तू भी, आ जा शीप। शीप्स मार रहा हूँ मैं बस, बहुत हो गया, बहुत है। चलो ये भी कलेक्ट कर लेते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा होता है, पेपर बनाने का काम आता है। जब आपको लाइब्रेरी बनाने की ज़रूरत पड़ती है ना एन्चेंटिंग वगैरह के लिए, तो ये काफ़ी काम आती है शुगर केन। मेरे को काफ़ी नॉलेज है एक्चुअली माइनक्राफ्ट के बारे में। चलो तो अब अपना घर कहाँ बनाएं, किसी भी जगह पर बना लेते हैं, क्या पड़ता है, यहाँ बनाते हैं। यहाँ का लैंड का प्लेन है ना, थोड़ी सी झाड़ियाँ वगैरह क्लियर कर लूँ और थोड़े से एनिमल्स भी क्लियर कर देते हैं। अरे वहाँ पे फूड सोर्स है, मैं लेके आता हूँ। बेरीज तो मैं सीधा खा सकता हूँ, पकने का भी वेट नहीं करना पड़ेगा। अगर मेरा विलेज मिल जाती ना, मैं बेरी मार रही है मुझे बेरी, तो मारी तो मैं बेरी की, ओए ये वाली भी मार रही है। शीप को वुल्फ ने मार दिया, वाओ वुल्फ, थैंक यू फॉर गिविंग मी फूड सोर्स। ओके यहाँ पे मुझे अभी भी एक पिग दिखा, जैसे जो भी है अब हम पिक को नहीं मारते हैं, थोड़ा सा लैंड क्लियर करते हैं। तो यहाँ से सारा क्लियर कर दो, आस पास वुल्फ्स रहे हैं ना, तो मैं इनको टेम भी इजीली कर पाऊंगा, नहीं तो नॉर्मल
ग्रीनलैंड में तो ये ऐसे नहीं मिलता ना, वुल्स आसानी से नहीं मिलते वहां पे। तो अब घर बनाना शुरू करते हैं, और मेरी इसकी भी ड्यूरेबिलिटी खत्म ही होने वाली है। नीचे चलते हैं और ऊपर ब्लॉक लगा देते हैं, डॉट ब्लॉक। इन्होंने मैप भी दिया है हमको, सब कुछ दिया है। ऊपर हमारा डॉट ब्लॉक लग चुका है। अभी मैं एक बेड बना लेता हूँ, मेरे पास क्राफ्टिंग टेबल है यहाँ, ये इसको रखते हैं यहाँ पे। और बेड बेड बेड, ये रहा हमारा बेड। अभी नहीं सो सकता मैं, रिस्पॉन पॉइंट सेट हो चुका है मेरा, और मुझे भूख भी लग रही है। तो जरा फर्नेस भी बना लेते हैं, और फर्नेस को रख दूंगा मैं इसके ऊपर। और मेरे को जलाने के लिए कुछ नहीं, लेकिन वो हम कल सुबह देखेंगे जलाने जुलाने का। अभी के लिए हमको सोना है थोड़ी देर में। चलो थोड़ी देर वेट करते हैं, रात होने का अच्छे से। हो गई? नहीं हुई। ओह चलो, ये मेरी ये खत्म होने वाली है ना, तो मैं इसको क्यों नहीं यूज कर लेता ना, मैं खाना वगैरह बनाने में। मेरी जो है स्वॉर्ड ये खत्म होने वाली है, तो मैं इसको यूज कर देता हूँ यहाँ पे। और वैसे भी लकड़ी की स्वॉर्ड तो स्टार्टिंग में कोई ज्यादातर बनाता भी नहीं है, और इससे रोशनी भी हो जाएगी थोड़ी सी। अरे हम सो गए, ये बाप रे, ये कैसी आवाज थी? हमारा खाना पक गया, नाइस, पक चुका है हमारा खाना। और अभी मैं बाहर निकलता हूँ। यस, अब मैं बाहर जा सकता हूँ। मैं यहाँ पे एक पिलर लगा लेता हूँ। ये देखो मेरी MLG, देखो। अरे तू, तेरी तो ना मरेगा नहीं, तो तुझे क्या लगा मैं तेरे मारूंगा नहीं? ये हमको मिला है सोने का मुकुट, और ये मैं लूंगा पहन। और अभी ये पोप चॉप खाते हैं हेल्पफुल करने के लिए। ये बेड वाली ट्रिक तो हुई मुझसे, वाटर बकेट ट्रिक आती है मेरे को, ब्लॉक MLG आती है ऐसे। बेड को मैंने फेंक दिया। वेयर इज माय बेड? फेंक दिया? क्या हुआ मेरे बेड के साथ? अच्छा, पहले सारी बैरीज तोड़ूंगा मैं, नहीं तो मैं नहीं, मैं मर जाऊंगा। तो अब चलते हैं। चलो ये अभी मुझे ढूंढनी है केव एक आस पास में। और वो मैप का क्या काम है, मैं जरा देखूं उसको। मैं उसमें से अपना घर वर ढूंढ सकता हूँ क्या? कुछ भी नहीं आ रहा है इससे, तो जितना पोर्शन मैं चलाऊं उतना ही आ रहा है। चलो अभी तो केव ढूंढते हैं। यहाँ पे मिल जाएगा? मिल तो गया, लेकिन खोद ही नहीं पाऊंगा मैं उसको। इतना तो ड्यूरेबिलिटी खत्म हो जाएगी। मैं तो
डूब के ही मर जाऊंगा पानी में। तो चलो अब चलते हैं, कोई केव ढूंढते हैं और अपना काम करते हैं उस केव में। ये केव है क्या? मैं बोला केव है ये, लेकिन ये बस पानी पानी है। वहां पे कोल नहीं है, ना कोल चाहिए नहीं तो मैं भूखा मर जाऊंगा। चाहिए मुझे, केव चाहिए। हेलो पिग, मैं तुझे मारने वाला हूँ बिकॉज आई ऑल्सो नीड सम फूड। आ जा, तू भी आ, तेरे को डंडे से मारूंगा मैं। पैंग, एक डंडा है, दो डंडा, दो डंडों में मुर्गी मर जाती है। फड़ैक डंडा, एक फड़ैक डंडा। और वहां पे भी है कुछ शुगर केन्स, पहले मैं ये बेरी खा लेता हूँ। स्वीट बेरी है इनका नाम, लेकिन ये जब इनके ऊपर चढ़ जाते हो ना तो ये स्वीट नहीं होती बिल्कुल भी नहीं। तो अभी ये भी तोड़ लेते हैं शुगर केन। तो इसको इसको भी तोड़ दो। कोई केयर नहीं मिल रही है यार मुझे, इतने टाइम से ढूंढ रहा हूँ। मिल जाओ ना, मिलती ही नहीं। यहाँ पे खोद दूंगा तो 10,000 साल लगेंगे। अरे बाप रे, मैं टक गया क्या? ऐसे कैसे अटक जाऊंगा? ऊपर चल, हाँ फाइनली बाहर आ गया भाई। यहां से बाहर आने की कितना मुश्किल था। हेलो वर्ल्ड, हेलो भाई। मैंने कितने जानवर मार रखे हैं और उनका खाना ही मैंने छोड़ रखा है ऐसे ही। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ? मैं घूम फिर के घर ही वापस आया है क्या? चाहिए बस छोटी मोटी सी, और के भी नहीं है यहाँ पे। मतलब बताओ, इससे बढ़िया मैं अपने घर जाऊं, थोड़ी सी नीचे खोदूं। देखो अब केव मिल गई, और यहाँ पे भी मुझे कोल नहीं दिख रहा है। ये भी केव नहीं है, घर जा रहा हूँ मैं वापस। कोल के बिना तो खाना ही नहीं है, मतलब कच्चा कौन खाएगा अब। ये भेड़ को भी मार ही देते हैं। ओ भेड़, भेड़ एक और है, इसको भी नहीं छोड़ूंगा, इसको भी लाठी से मारूंगा। एक ही लाठी में गई, देखी लाठी की पावर। चलो घर की तरफ चलते हैं। और भेड़ है यहाँ पे, ये भी गई। अरे बाप रे, मेरा हंगर। मैं बहुत
बहुत ज्यादा स्प्रिंट कर रहा हूँ ना, तो मेरा हंगर बार जा रहा है, और वो भी बुरे तरीके से। मतलब बहुत कम हो रहा है यार मेरा हंगर बार। इसको मारो मारो मारो, सबको मारो। तू भी कहाँ जा रही है, तेरे को भी कौन सा छोड़ूंगा मैं। सारे जानवरों मारता हुआ चल रहा हूँ। खाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है माइनक्राफ्ट में, और खाने की कमी पड़ गई तो तुम मर ही जाओगे। रियल में भी और माइनक्राफ्ट में भी। माइनक्राफ्ट इज नॉट अ लॉजिकल गेम, पर थोड़ा सा लॉजिक है, थोड़ा सा। चलो यार मैं घर ढूंढना है, मेरा कुछ 400 कोऑर्डिनेट्स थे शायद उसके। चलो जहाँ पर बढ़ रहे हैं ना वहीं पे जाना है, वहाँ बढ़ रहे तो उधर चलते हैं। उस साइड जंगल है, वो जंगल क्या वो फॉरेस्ट होता है जो भी होता है मेरे को नहीं पता। मैं जा रहा हूँ उधर जहाँ पे है मेरा घर। चलो जल्दी जल्दी पिक को तो मार ही लेते हैं, अच्छा फूड सोर्स है। पॉर्क चॉप इज अ गुड फूड सोर्स इन माइनक्राफ्ट, और एक पिक की हेल्थ भी काफ़ी ज़्यादा होती है, एटलीस्ट शीप से तो ज़्यादा ही होती है, और चिकन से तो ज़्यादा होती ही है। सबसे ज्यादा हेल्थ होती है गौ माता की, जानवरों में जो फूड सोर्स के अंदर आते हैं ना जानवर, उनकी होती है सबसे ज्यादा हेल्थ गौ माता की मेरे हिसाब से। शायद ऐसा ही होना चाहिए ना। वो मिल गया मेरा घर, मेरा ये पहुंच चुका हूँ मैं घर, और अंधेरा भी होने वाला। ये आ गया, बेड ही तोड़ दिया मेरा। मेरा रिस्पॉन पॉइंट सेट ना होता है यहाँ पे फिर तो वाओ, फिर तो मैं घूम ही जाता पूरे तरीके से। और ये बंद, और यहाँ पे बिल्कुल भी रोशनी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अभी मैं इसको यहाँ पे लगाऊंगा, ये 24 मटन जितने पक जाएंगे उतने पक जाएंगे। हाँ, अभी मैं बना लेता हूँ स्टोन की पिकैक्स, क्योंकि अब मैं अपने घर के नीचे ही माइनिंग कर लूंगा एक ही पिकैक्स से। तो चलो कोई बात नहीं, एक तो मिला, खा लेते हैं इसको भी। और इसको भी खा लेने के बाद अभी हम यहाँ पे लगाएंगे बेड, थोड़ी देर वेट करेंगे और सो जाएंगे, और माइनिंग के लिए। ज़ॉम्बीज़ की आवाज आ रही है, बंद करो इसको, बंद करो। ज़ॉम्बीज है बाहर, ओह माय गॉड। कोल मिल जाएगा ना मेरे को तो सारी टेंशन ही दूर हो जाएगी। देखो वहां पे चल रहे हैं, जलने दो, बढ़िया है। ओह जल गए। अब यहाँ पे ब्लॉक प्लेस कर देते हैं और यहाँ से निकलते हैं केव की तलाश में। इस साइड जाऊंगा मैं इस बार। चलो चलो जल्दी चलो, ये मिल गई केव।
बहुत बढ़िया। नहीं हुआ यार, क्या हो रहा है मतलब मेरे साथ? क्या मजाक हो रहा है? यस, तो थोड़ा सा ब्रेक के बाद मैं वापस आ चुका हूँ। चलो एक काम करते हैं, हम सीधा थोड़ी सी नीचे के लिए खोदते हैं। नेवर डिग डाउन बट आई ऑलवेज डिग डाउन, क्योंकि मुझे कोल चाहिए अभी। नहीं कहीं मिल ही जाए बस कोल, धन्य हो जाऊंगा। और मिल जाना कॉल, कॉल ही नहीं मिल रहा। ग्रेवल आ गई, ग्रेवल मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। किसको पसंद है? मुझे तो नहीं लगता किसी को पसंद भी होगी ग्रेवल। ग्रेवल बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मतलब क्योंकि ग्रेवल के बाद जब वो नहीं मिलते ना डायमंड्स, इसलिए किसी को भी अच्छी नहीं लगती है। मिल जा कोल, मिल जा कोल, कोल 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 मिल गया। यस, मैं बहुत सारा लूंगा, जितना है मैं सारा लूंगा। ये बहुत सारा है, और इससे अगला टारगेट है हमारा आयरन। तो अभी हमको आयरन भी चाहिए होगा, इसके बाद बहुत कुछ चाहिए होगा। यहाँ पे तो कोल ढूंढने में ही इतना टाइम लग गया, आयरन तो पता नहीं कितना लगेगा। इतना आसपास में केव ढूंढनी पड़ेगी कल मुझे अगले एपिसोड में तो। और ऊपर भी थे भाई, एग्जिट कहाँ गई? एग्जिट गायब हो गई। यस, मैंने सारे कॉल माइंड कर लिए हैं, और अब मैं ऊपर चलता हूँ। अब इससे मेरे घर में उजाला आ जाएगा, कॉल से सब कुछ हो जाएगा। बहुत बढ़िया हो गया, कॉल मिलेगा। अब यहाँ पे एक वो ऊपर टावर बना देता हूँ कि ये हमारी केव है स्ट्रिप माइनिंग के लिए। पेड़ों से थोड़ा सा ऊंचा ताकि दिख जाए, पेड़ों के बीच में भी। एंड इनफ, और ये मैं कूद गया हूँ, और यहाँ से भी कूदते हैं, और यहाँ से भी कूदते हैं। नाइस, चलो अब घर में चलते हैं। ब्राउन शीप मैंने काफी कम देखी है वैसे। मैंने एक वर्ल्ड में अपने एक पिंक शीप भी देखी थी, काफी रेयर होती है पिंक शीप। अब जंगल उस साइड है ना, जहाँ पे अपना घर है उस साइड, शायद से मैं इधर से ही आया था। चलो इधर चलो। हेल्थ कम हो रही है, खाना खा लेता हूँ। अरे हमने बेरीज खा ली हैं, अरे हाँ फिर भी बच गए मेरा बाल। चलो चलो चलो, अरे पिग्गी साइड हो जाओ, मरे हो क्या मुझसे? साइड हो, समझ में नहीं आती, अब हमेशा के लिए साइड हो गया ना ये। मैं ही कंफ्यूज हो चुका हूँ। कोई लंबा टावर बनाना पड़ेगा, बहुत लंबा। यही कहीं है जंगल में, इसको जंगल बोलते हैं। कौन सी बायोम है ये? फॉरेस्ट होती है ना शायद। वो फॉक्स है, फॉक्स फॉक्सेस।
वाले देखी है मैंने। चलो वहाँ सामने भी है तो शायद उसमें हो। चलो इसमें भी चेक कर लेते हैं। और कल मैं आयरन ढूंढूंगा। आयरन तो मिल ही जाना चाहिए ना। अबे वो चिकन चिकन की बच्ची साइड हो मारूंगा। इसका बच्चा है इसको रहन देते हैं। उसके और शायद मैंने बच्चे के पापा को मार दिया है, मम्मी को मार दिया, या फिर वो अलग ही था, कुछ सहेली वगैरह होगी एक दूसरे की, पता नहीं बच्चे की माँ कौन सी थी। मेरा ये बहुत जल्दी जा रहा है। यह ना हंगर बार मेरा बहुत जल्दी जा रहा है, बहुत जल्दी जल्दी, पता नहीं क्या हो गया, मेरा घर नहीं मिल रहा मुझे। एक कम हो गया ना इधर तो, एक वहां पे बहुत सारे कुंडे हैं। भागो भागो बस। ओ माय गॉड, वहां पे तो भाई वो सेना खड़ी थी ज़ॉम्बीज की। आयरन स्वॉर्ड पकड़ी हुई थी किसी ने तो। मेरी बैंड बजा देते ये तो। बच गया। स्केलेटन भी है पीछे। आगे 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 खाई पीछे कुआं। कुएं में से तो मैं फिर भी बच जाऊंगा क्योंकि स्विमिंग आती है। और वो बाल्टी डाल देगा अंदर, कोई पकड़ के बाहर आ जाऊंगा। लेकिन खाई खाई में भाई, अरे घर नहीं मिल रहा मुझे। मेरा तेरा पता है मेरा घर कहाँ है? नहीं पता तुम्हारा फिर। बेरीज खाओ, हील हो जाओ। अरे मैंने बेरी उगा दी, उगाने की जरूरत नहीं होती है इसको। अरे यार मतलब कहाँ है, कहाँ घट रहा है, बढ़ कहाँ रहा है। तो अभी मैं इधर ही छुप जाता हूँ क्योंकि रात होने वाली है। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।